अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट शेफ। आज की रेसिपी है चिकन चीज़ पास्ता। आज हम बहुत आसान तरीके से चिकन चीज़ पास्ता बनाना स्टार्ट करते थे। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 250 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 आलू कट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, पास्ता बॉयल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम में सारे आलू फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ पर हमें आलू को 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा पैकेट पास्ता लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है 250 ग्राम। इसके बबाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन लेके छोटे पीसेस में कट कर लिया है, हरे मिर्च छोटे पीसेस में कट कर लिए है, कॉर्न्स लिए हैं। ये स्वीट कॉर्न्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 1.5 चम्मच मैगी मसाला और 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लेकर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी टोमेटो प्योरी ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 छोटे बटर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल के इसको हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर 3 प्याज छोटे पीसेस में कट करके डाल दूंगी। प्याज को भी हमें लाइट ब्राउन होने तक पकने देना है। जब प्याज कुछ ऐसी नजर आ जाए तो हमें इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन डालने के बाद इसमें हमें थोड़े से टमाटर डालने हैं और सारे मसाले हमें 1/2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। ये सब डालने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये कुछ इस तरह से नज़र आए तो हमें इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता भी बॉईल हो गया है और इसको हम अलग निकाल के रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर बटर मेल्ट कर लूँगी। जब पूरी तरह बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हमें लहसुन डालना है और उसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें कॉर्न्स, टोमेटो और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने सारे ड्राई मसाला भी ऐड कर दिए हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें सारी प्योरी ऐड कर देंगे और इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1/2 कटोरी पानी ऐड किया है और इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पका लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, आप चाहें तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और इसको हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। अब इसको इतना भूनने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे, इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तीन से चार मिनट पकाने के बाद इसमें अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दो से तीन मिनट पकाने के बाद इसमें अब हम पास्ता डाल देंगे। Yeah.
पास्ता डालने के बाद इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दो से तीन मिनट पकने के बाद इसमें ऊपर से मैं चीज़ ऐड कर दूंगी। चीज़ डालने के बाद इसको हमें हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक पकने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।